सिरीपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार था। राघव और सुमति नाम की पति पत्नी वहां रहते थे। उनका एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की का नाम था सौम्या, जिसका रंग गहरा था, और लड़के का नाम था संतोष, जो बहुत गोरा और सुंदर था। बेटी के सावली होने के कारण सुमति बेटी के प्रति कभी कोई प्यार ही नहीं दिखाती थी। वो हमेशा अपने बेटे की देखभाल में लगी रहती थी। इससे सौम्या को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसके पिता राघव ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि हमेशा अपनी बेटी से भी प्यार किया और बड़े प्यार से उसकी देखभाल की। इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन सुमति अपने बेटे को शॉपिंग पर ले जा रही थी तो, ए सौम्या, हम दोनों कपड़े खरीदने जा रहे हैं। जब तक हम घर वापस आते हैं, तुम घर को साफ कर लेना। वहां से आने के बाद मुझसे काम नहीं हो पाएगा, समझ गई? इस तरह कहा तो सौम्या बोली, ठीक है माँ, मैं कर लूंगी। उसके ऐसा कहते ही उसके पापा आ गए। तुम अगर बाहर जा ही रही हो तो सौम्या को भी अपने साथ ले जाओ, उसके लिए भी कुछ कपड़े खरीद देना। तब सुमति कहने लगी, उसके रंग के लिए कोई खास कपड़ा चुनने की जरूरत ही नहीं है, जो भी लाऊंगी पहन लेगी। और ऐसे भी इतने सारे पुराने कपड़े पड़े हैं, हम कुछ पैसा ही बचा लेंगे, क्यों? उसने ऐसा कहा तो राघव उस पर क्रोधित हो गया। सुमति, वो भी हमारी ही औलाद है, क्यों तुम अंतर दिखाकर उसकी भावनाओं को आहत करती रहती हो हमेशा? मुझे ये सब नहीं पता। जब लोग उसे देखते हैं, उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, मुझे अपना अपमान लगता है। मैं इस तरह की बातें नहीं सुन सकती हूँ। कोई कुछ बोलता है तो तुम अपने बच्चों के साथ भेदभाव करने लगोगी क्या? ईश्वरा, मैं तुम्हारी कहानियां नहीं सुनना चाहती। यदि तुम में धैर्य है तो तुम उसे अपने साथ ले जाओ, मैं सिर्फ बाबू को लेकर जाऊंगी। चलो हम चलेंगे। वो गुस्से में चली गई। उसकी बातें सुनकर सौम्या रोने लगी। तब राघव ने सौम्या को दिलासा दिया, सौम्या तुमने अपनी माँ की बातें सुनी, उसकी बात का बुरा मत मानो। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे कपड़े लाऊंगा, ठीक है ना? उसे दिलासा देते हुए वो बाहर चला गया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अपने बेटे के प्यार में उसने अपने बेटे के लिए ढेर सारे खिलौने खरीदे। संतोष खिलौनों से खेल रहा था। सौम्या ने उसे देखा तो, मैं भी कुछ समय के लिए भाई के साथ खेलना चाहती हूँ। वो दौड़कर उसके पास गई और उसके खिलौने ले लिए। ये देखकर वो बोला, मेरे खिलौने हैं वो, माँ मेरे लिए लाई थी, उनको मत छुओ तुम, समझी? मैं भी उनके साथ खेलना चाहती हूँ भाई, मुझे भी खेलने दो ना। लेकिन संतोष ने उसे अपने खिलौनों को छूने भी नहीं दिया। माँ से जाकर शिकायत लगाई। फिर सुमति वहाँ आई, ए एक लड़की को खिलौने क्यों चाहिए, घर का काम करना सीखो, आओ चलो। उसने उसे खेलने नहीं दिया, बल्कि उसे घर में काम करने के लिए कहा। इससे सौम्या को बहुत बुरा लगा। दिन गुजरते जा रहे थे। संतोष ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा था, इसलिए उसने उसे दूसरे स्कूल में डालने का फैसला किया और राघव से कहा, सुनो जी, संतोष के स्कूल में शिक्षक ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं उसे दूसरे स्कूल में डालूंगी। तो फिर हमें सौम्या के लिए भी एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना होगा, ताकि दोनों साथ ही जाएं। पढ़ाई खत्म करने के बाद उसकी तो शादी हो जाएगी और वो चली जाएगी, उसके लिए हम स्कूल क्यों बदलेंगे? एक बच्चे को शिक्षित करना इतना मुश्किल हो रहा है आजकल, आप भी तो देख रहे हो ना। तो सौम्या को उसी स्कूल में रहने देते हैं, बस संतोष का स्कूल बदलेंगे हम। उसने राघव को मना लिया और संतोष का एक अलग स्कूल में एडमिशन करा दिया, लेकिन सौम्या को उसी पुराने स्कूल में भेजा गया। दिन बीतते जा रहे थे। संतोष को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार मिल रहा था, इसीलिए वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा था और पूरा समय खेलने में बिता रहा था। लेकिन सौम्या घर का काम भी कर रही थी और जब भी उसे समय मिलता अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। कुछ दिनों के बाद उसके स्कूल में परीक्षा खत्म हुई। सौम्या स्कूल में प्रथम आई। उसी दिन जब राघव और सुमति उस रास्ते से गुजर रहे थे
तो उनकी शिक्षिका ने उन्हें देखा और रुका। आप दोनों सौम्या के माता पिता है ना? हाँ हाँ मैडम, लेकिन आपने क्यों पूछा? आपकी बेटी ने परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स पाए हैं, कक्षा में प्रथम आई है, बहुत बुद्धिमान लड़की है। ऐसी बेटी का होना वास्तव में एक आशीर्वाद है। आप दोनों बड़े खुशकिस्मत हैं। आपको पता है स्कूल मैनेजमेंट आप लोगों को बुलाकर सम्मानित करने जा रहा है। उसने कहा और चली गई। ये सुनकर माता पिता दोनों खुश हो गए। सुमति जब घर पहुंची तो उसने संतोष के मार्क्स देखे और बहुत नाराज हुई। दो दिन बाद प्रिंसिपल ने माता पिता को आमंत्रित किया और सबके सामने उनकी खूब प्रशंसा की। सुमति को अपनी बेटी पर बहुत गर्व हुआ और वो अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करने लगी। उसे उन सभी दिनों में अपने क्रूर व्यवहार के लिए भी बहुत बुरा लगा। उस दिन से वो दोनों बच्चों को समान रूप से प्यार करने लगी। सौम्या भी अपनी माँ के प्यार को पाकर बहुत खुश थी। शंकर और नंदिनी ने सोचा था कि चंद्रिका, बालू और बंदर की शरारतें कम हो जाएंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन जिस तरह कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी ही रहती है, उसी तरह दोनों बच्चे और बंदर नटखट बातें करते ही रहे। ऐसे ही एक दिन शंकर अपने सफेद बालों पर हेयर डाई लगाने के लिए आईने के सामने बैठता है और सारी चीजें रखना शुरू करता है। दोनों बच्चे उसके पास आते हैं और, पापा आप क्या कर रहे हो, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? मैं अपने बालों में डाई लगा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। बाहर जाओ और बिना किसी शरारत के खिलौनों से खेलो, जाओ। शंकर उन्हें भेज देता है और डाई से भरा प्याला उठाता है। प्याला उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है। बालू ने देखा, अरे रे डाई का प्याला नीचे गिरा दिया, इसलिए हमने कहा कि मदद करेंगे, पर आपने सुनी नहीं। अब आप ही देखो सब कुछ फर्श पर गिर गया ना। ठीक है तो क्या हुआ, एक और पैकेट है ना, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। आप कम से कम हम करते हैं पापा, आप चैन से बैठो ना। शंकर इस बार मान गया और, ठीक है पैकेट उस छोटे से शेल्फ पर है, तुम उसमें थोड़ा पानी डाल के अच्छे से लगाओ। दोनों बच्चे डाई तैयार करने के लिए प्याला लेते हैं। शेल्फ पर डाई पैकेट के साथ साथ उन्होंने चूहों की दवा भी देखी। दीदी अगर हम इस दवा को डाई में मिलाएंगे तो फिर क्या होगा? पता नहीं क्या होगा, अगर हम इसे एक बार मिलाकर अपने पिता के बालों में लगाएं तो पता चल जाएगा। ये सोचकर वे चूहों की दवा को डाई में मिला देते हैं और अपने पिता के पास लगाने जाते हैं। पापा कुछ देर बिना हिले डुले बैठो, हम आपके बालों में डाई लगाएंगे। शंकर के बालों में वो अच्छे से रंग लगा देते हैं। कुछ देर बाद शंकर स्नान करने के लिए बाथरूम में चला जाता है। कुछ मिनटों के बाद बाथरूम से जोर जोर से चीख पुकार मच जाती है। चीख पुकार सुनकर नंदिनी उस कमरे में भाग के जाती है। शंकर के सिर पर बाल ही नहीं होते। ओ ये क्या हो गया जी, तुम्हारे सिर के बाल कहाँ गए? नंदिनी चिंता से शंकर से पूछती है। तब शंकर, ये सब हमारी बच्चों की शरारत से हुआ है, जब मैं अपने बालों को रंगने की कोशिश कर रहा था तो वे मेरी मदद के लिए आए, उसमें उन्होंने कुछ मिलाकर मेरे बालों में लगाया, जब मैंने नहाया तो पूरे बाल झड़ गए। कहाँ है ये बच्चे, आज इन्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। वो बच्चे को पुकार कर चिल्लाता है, वो उससे डर कर, हे भगवान अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो मैं खैर नहीं। बच्चे भागने की कोशिश करते हैं लेकिन शंकर उन्हें पकड़ लेता है और एक कमरे में लाकर लाठी से पीटता है। तुम्हारी शरारतों की कोई सीमा नहीं, तुम्हारी वजह से मैंने अपने पूरे बाल गवा दिए। वो उन्हें बुरी तरह पीटता है और बच्चे उस कमरे में रोते रहते हैं। तभी बंदर वहाँ आता है और उन पर हंसता है। भगवान की कृपा से मैं आज बच निकला, अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो मुझे भी डंडे की मार पड़ती। बंदर उन पर हंसता है। कुछ दिनों बाद चंद्रिका, बालू और बंदर एक दिन खूब खेलते हैं और थक जाते हैं। मुझे भूख लगी है बहुत और कुछ खाने का मन कर रहा है। हाँ हम भी भूखे हैं लेकिन घर में कुछ भी खाने को नहीं है आज। खाना बनने तक अब क्या करेंगे हम? आज हम कुछ नए तरीके से चुरा कर खाएंगे। कैसे? यहाँ पास में एक दुकान है, दुकान के सामने की तरफ खाने का सामान लटका हुआ है,
मैं ऊपर जाकर उन्हें ऊपर से ले लूंगा, फिर हम सब खा सकते हैं। वे एक योजना बनाते हैं। बंदर ऊपर चढ़ जाता है और केले का एक गुच्छा उठा लेता है। थोड़ी दूर खड़े होकर बच्चे उसे देख रहे हैं। फिर बंदर कुछ और सामान खींचने की कोशिश करता है। ये देख दुकानदार बंदर का पीछा करता है और बंदर को पकड़कर मारता है। ये देख बच्चे दौड़कर अपने घर पहुंच जाते हैं। भगवान, हम बच गए आज तो। अगर हम उस दुकानदार द्वारा पकड़ लिए जाते तो हमारे पापा हमें मार ही डालते, सच में, हे भगवान, चंद्रिका ने कहा। दो दिन गुजर गए। एक दिन नंदिनी की बहन सरला उनके घर आती है। दीदी, हमारे पापा ने कहा कि मेरी शादी इसी जगह तय करेंगे, इसलिए मैं यहाँ कुछ समय पहले आ गई। हाँ, पापा ने मुझे फोन पर पहले ही बता दिया। तुम इस हफ्ते घर में रहो और अपना ख्याल रखो, नंदिनी ने ऐसा कहा। एक दिन सरला अपने चेहरे पर मेकअप करने बैठ जाती है। इसी बीच चंद्रिका, बालू और बंदर वहाँ आ जाते हैं। मासी, हमें बहुत अच्छा मेकअप करना आता है, आज आपके लिए करी मासी? चंद्रिका ने ऐसे पूछा। उनकी शरारतों से बेखबर सरला उनकी इच्छा मान जाती है। बच्चे सारा मेकअप तैयार करते हैं। बंदर इसमें कुछ ब्लीचिंग पाउडर मिलाता है। बच्चे सरला का मेकअप करते हैं। अगली सुबह सरला को अपना चेहरा काला और उस पर बहुत सारे धब्बे दिखाई देते हैं। अपना चेहरा देखकर सरला और जोर से चिल्लाती है। शंकर और नंदिनी जल्दी से वहां आते हैं और सरला का चेहरा देखकर चौंक जाते हैं। अरे बहन, ये क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा काला कैसे हो गया? सच बताओ, क्या इन बच्चों ने तुम्हारे साथ कुछ किया है सरला? हाँ, यही हुआ। ये कहकर कि वे मेकअप करना जानते, उन्होंने मेरे चेहरे पर कुछ लगा दिया, इसलिए मेरा चेहरा ऐसा हो गया। तब शंकर और नंदिनी को बहुत गुस्सा आता है और उनकी शरारत की कोई हद नहीं है, ढीठ हो गए हैं। वे तीनों को पकड़कर एक कमरे में बुरी तरह पीटते हैं। सगाई खत्म होने तक तुम तीनों इसी कमरे में सड़ो, अगर बाहर निकले तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ूंगा। वो उन्हें चेतावनी देकर उस कमरे में ताला लगा देता है। क्योंकि सरला का चेहरा खराब हो गया था, इसलिए उन्होंने सगाई को एक हफ्ते के लिए टाल दिया। एक हफ्ते के बाद जब सगाई होने वाली होती है, नंदिनी के पिता उन्हें फोन करते हैं। बेटी नंदिनी, सरला की सगाई रद्द हो गई। लड़का अच्छे चरित्र का नहीं, उसने पहले ही एक लड़की से शादी कर ली और दूसरी शादी कर रहा था। ये खबर हमें पता चल गई, हमारी बच्ची बच गई। तुम सरला को घर आने को कहो। वो टेलीफोन कॉल काट देता है। शंकर और सरला नंदिनी से बातचीत सुनते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चों की शरारत की वजह से ऐसा हुआ। उन्हें बुरा लगता है और बंद कमरे से बच्चों को बाहर निकाल लेते हैं। बच्चों को खेलने की आजादी दे दी जाती है। बच्चे पहले की तरह अपनी शरारतों से मौज मस्ती करने लगते हैं।